अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुनैना इमरान है और मैं इस टाइम ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल नारोवल में काम कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब आपको हमल होता है या आप किसी ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पर आप डॉक्टर से रजू नहीं कर सकते और आप जो सा है आपको सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है और आपने अब क्या क्या करना है, ये हमने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में बात की थी। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपको ये पता चल जाए कि अब आपको हमल हो गया है या आपने उसके बाद अपनी सारी अर्ली साइन और सिम्टम्स को देखा, उनको समझा, फिर आपने एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर में किया या आपने ब्लड टेस्ट में प्रेगनेंसी चेक करवाई, तो इन सब बातों के बाद जब आपको कंफर्म हो गया है कि अब आपको हमल है एंड नाउ यू आर प्रेग्नेंट, तो उसके बाद आपने कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो अर्ली स्टेजेस पे आपने करनी है ताकि बाद में कोई मिसकैरेज हो जाए या बाद में ग्रोथ रिटार्डेशन का कोई इशू ना हो, अगर कोई इशू होना भी है तो वो कम हो जाए या प्रिवेंट हो जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ एहतियाती तदाबीरें बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये मददगार साबित होंगी। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी हो गई है और अब आपको पता चल गया है कि आप प्रेगनेंट हैं, तो आपने सबसे पहले करीबी डॉक्टर या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन जो है ना वो आप ले लेनी है, ताकि वो शुरू से ही आपकी सारी की सारी प्रोग्रेस को जो है ना देखें और समझें, और जो उन्होंने मेडिसिन जो उनको ज़रूरी है आपके लिए, जो हार्मोन्स उनको ज़रूरी लग रहे हैं आपके लिए या जो भी मेडिसिन उनको ज़रूरी लगती है आपकी तबीयत के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से वो स्टार्ट कर दें। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि फॉलिक एसिड इनटेक। फॉलिक एसिड इनटेक ज़रूरी नहीं है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाए तभी आपने स्टार्ट करना है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपने अब प्रेग्नेंट होना है तो तब भी आपको फॉलिक एसिड इनटेक स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कुछ मरीज होते हैं वो कहते हैं हमारे बच्चे के जो है ना फोड़े बन गए या हमारे बच्चे की ग्रोथ रुक गई या हमारे बच्चा जो है ना वो अपनी एज से कम है, ये सब जो बातें होती हैं ना ये फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स अर्ली प्रेगनेंसी में जो आपको अवॉइड करने चाहिए जिससे कि मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, और ज़्यादातर अमूमन हमारी आवाम को नहीं पता होता कि इन फूड से जो है ना मिसकैरेजेस हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है पपाया, बनाना, केला, इसके अलावा जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल ज़्यादा कंज्यूम करने से यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं, जल्दी से जल्दी दर्दें लगना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कच्चा अंडा, कच्चा गोश्त, इन सब चीज़ों से परहेज करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिश भी आपने अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, उससे भी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो अर्ली फेज होता है ना प्रेगनेंसी का, जो कुछ शुरू के वीक्स होते हैं, उनमें आपने अवॉइड करना है कि आप जो है ना अपने हस्बैंड के साथ भी इंटीमेट ना हों, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मेन बात होती है ना किसी भी औरत के लिए, क्योंकि जब एक प्रेगनेंसी का फेज स्टार्ट होता है ना तो बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, फिर कुछ का ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, बॉडी फुल चेंज होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि मेरे पेशेंट खुद भी फील करता है कि उसको डिफरेंट उसके मूड्स हो रहे हैं, कभी उसकी तबीयत नहीं ठीक, कभी उसकी तबीयत बहुत ठीक होती है, कभी वो अच्छा फील कर रहा होता है, कभी वो थोड़ा सा सैड लो फील कर रहा होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके हस्बैंड मेनली और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करें उस कंडीशन में, और पेशेंट को खुद भी चाहिए कि वो अपना मूड खुशगवार रखे, हर टाइम हैप्पी मूड में रहे, कोई भी अनड्यू स्ट्रेस पेशेंट के ऊपर नहीं आना चाहिए। अनड्यू स्ट्रेस की वजह से पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल है, और अगर प्रेगनेंसी के बाद भी अनड्यू स्ट्रेस पेशेंट के ऊपर आए तो उस प्रेगनेंसी को चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप अपना मूड खुशगवार रखें। उम्मीद है कि आप इन सब इत्यादि तदाबीरों को फॉलो करेंगे और इससे कुछ ना कुछ आपकी मदद होगी, और जो इंसान है ना जो भी इंशाल्लाह आगे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे तरीके से चलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।